भाई कैसे कंट्री के बारे में। तो सबसे जो पहली बात है वो ये है कि इटली का वीजा लेना इंतहाई आसान है। आप जीसीसी से अप्लाई करें, आप बांग्लादेश से अप्लाई करें, आपको विद इन 2 to 3 days इसके एक्सप्रेस सर्विस की थ्रू वगैरह से रिलेटेड है उसका बहुत ज्यादा काम है। जो सबसे ज्यादा एनुअली टूरिस्ट अगर किसी स्टेट में जाता है, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था कि माइंड में रखे और एक मैक्सिमम ब्रैकेट जो है ना वो 16,000 यूरो की। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एक ऐसे कंट्री के बारे में, शेंजन का कंट्री है, उसका वर्क परमिट लेना, उसका टूरिस्ट वीजा लेना जिसको विजिट वीजा भी कहते हैं, और उसका कोई मेडिकल बेसिस के ऊपर कोई वीजा लेना, उस कंट्री का आपने स्टूडेंट वीजा लेना, किसी भी तरह का वीजा लेना इंतहाई आसान है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा शेंजन का कंट्री है कि जिस कंट्री में बंदा जाना भी चाहता है, शेंजन में एंट्री भी लेना चाहता है और उसका वीजा भी इंतहाई आसान है। लेकिन इसके लिए कुछ आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको इसका वीजा लेने के लिए आपको थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा और आपको अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा डिफरेंट और स्ट्रांग वे में प्रेजेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये एक ऐसा कंट्री है कि जो आपको इमीडिएटली बेसिस के ऊपर जल्दी डिसीजन लेके फौरन आपको वीजा दे देता है। ऐसा भी है कि विद इन 2 days आपको वीजा दे देता है, शेंजन का ये कंट्री है। और ये एक वीडियो उसी वीडियो का पार्ट है जिसको हमने स्टार्ट किया था लेट्स गो के नाम से। तो लेट्स गो में आज हम चलते हैं जी इटली। मैं बात कर रहा हूं इटली की, और इटली की जब हम बात करेंगे तो इसमें काफी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जिनके बारे में मैंने पहले आपको बताया। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर किया करें। और अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं, मुझसे इंटरेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे कोई गपशप लगाना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट्स पे जरूर रिप्लाई करता हूं। स्पेशली जब मैं वीडियो को अपलोड करता हूं तो तब ज्यादा से ज्यादा कमेंट आप किया करें ताकि मैं सेम टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई कर सकूं। और जो लोग मुझसे कुछ पर्सनली बात करना चाहते हैं अपनी फाइल प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई वो कुछ भी वो मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरे साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका क्या है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा है, आप इस अकाउंट को फॉलो कीजिएगा, मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा, एंड देन आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप उसके थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो लोग टिकटॉक देखते हैं और शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो वो मुझे टिकटॉक पर फॉलो कर लीजिएगा, मेरा टिकटॉक अकाउंट आ रहा है, उनको वहाँ पर शॉर्ट वीडियो मिलेगी शॉर्ट्स की फॉर्म में, हर रोज वहाँ पर शॉर्ट्स की फॉर्म में छोटी छोटी सी ब्रीफ सी वीडियोज आ रही होती हैं तो उनको देख सकते हैं। अब मैं जिस कंट्री की मैंने बात किया वो है जी इटली। इटली में आप देखें तो अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा इस कंट्री को शेंजन वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम जितने भी लोग बैठे हैं वो टूरिस्ट वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो मैं कंट्रीज वाइज इसकी रेशियो बताऊंगा आप लोगों को, और फिर उसके बाद मैं वेज रेट बताऊंगा, काम बताऊंगा, स्किल वर्कर रेशियो बताऊंगा, और अगर जो नॉन स्किल वर्कर वहां पर जाते हैं वो कितना अर्न करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि इसका वीजा लेना जो विजिट वीजा है वो लेना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। तो सबसे जो पहली बात है वो ये है कि इटली का वीजा लेना इंतहाई आसान है। आप किसी भी कंट्री से अप्लाई कर दे, आप पाकिस्तान से अप्लाई करें, आप इंडिया से अप्लाई करें, आप जीसीसी से अप्लाई करें, आप बांग्लादेश से अप्लाई करें, आप नेपाल से अप्लाई करें, आप किसी भी कंट्री से इसको अप्लाई कर दे, आपको विद इन 2 to 3 days इसके एक्सप्रेस सर्विस के थ्रू आपको रिस्पॉन्स आ जाता है। स्पेशली ये जो जीसीसी से लोग अप्लाई करते हैं, यूएई से, या फिर वो लोग कतर से अप्लाई करते हैं, ओमान से, बहरीन से अप्लाई करते हैं, उनको विद इन 2 days रिस्पॉन्स मिल जाता है। इटली के बारे में यह कहा जाए कि अगर आपको कुछ भी नहीं करना आता तो सिर्फ आप इटली आ जाएं और इटली आके आप विद इन 10 टू 15 डेज के अंदर कोई काम सीख लें जो भी आप कर सकते हैं तो आप बेहतरीन अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और अगर इसके वेज रेट की बात की जाती है तो 1600-1700 यूरो से लेके, ये मैं एक मंथ का वेज रेट आपको बता रहा हूं, 1600-1700 यूरो से लेके आप 3000 यूरो तक भी इसमें कमा सकते हैं एक महीने के अंदर, 1600-1700 यूरो से लेके। और अगर आप, ये मैं बात कर रहा हूं जो नॉन स्किल वर्कर है, जो स्किल वर्कर है अगर वो इसके ऊपर बात करते हैं कि जी वो कितना कमा सकते हैं तो उनकी जो ब्रैकेट है वो 3000 से स्टार्ट होती है, जिसको 2500 या 2600 एक लोअर ब्रैकेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये जाती है जी आपके पास 4200 या 4100 तक। इसमें 2 से 3 बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि जो नॉन स्किल वर्कर है इनमें पेंट का काम बहुत ज्यादा है, जो पेंट का रंग का काम करते हैं वो बहुत ज्यादा काम है। नॉन स्किल वर्कर में वेटर्स का काम बहुत ज्यादा है। नॉन स्किल वर्कर्स में आपके पास ये जो प्लम्बर है इनका काम बहुत ज्यादा है। नॉन स्किल वर्कर में आपके पास जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं, इसमें आपके पास सबसे ज्यादा जो काम है वो टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर, होटल इंडस्ट्री के अंदर आपको बहुत सारे काम मिल सकते हैं जो आपके पास नॉन स्किल वर्कर के काम है। लेकिन अगर आप स्किल वर्कर
वर्कर की बात करते हैं तो स्किल वर्कर में टेक्नीशियंस जो है, टेक्निकल वर्कर है उसका बहुत ज्यादा काम है, हैवी ट्रक मैकेनिक का जो ट्रक टेक्नीशियन है उसका बहुत ज्यादा काम है, जो गाड़ियों की मेंटेनेंस वगैरह से रिलेटेड है उसका बहुत ज्यादा काम है, जो बिल्डिंग की मेंटेनेंस से रिलेटेड टेक्निकल बंदा है, इलेक्ट्रिशियन है, इसका बहुत ज्यादा काम है। ये वो चीजें हैं जो हाईली डिमांडेबल है स्किल सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसके ऊपर वर्क परमिट भी इशू किए जा रहे हैं। अब एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं कि इटली में सबसे ज्यादा जो इस टाइम पे लोग जाके फौरी तौर पे अगर किसी काम पे लग जाते हैं तो एग्रीकल्चर की फार्मिंग होती है। एग्रीकल्चर फार्मिंग में से ये मुराद है कि वो लोग खेतों में काम करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उनमें वो पैकिंग का काम आ जाता है, फ्रूट की पैकिंग आ जाती है। तो इनका जो वेज रेट है, इनके वेज रेट की बात की जाती है तो 1300 से वो स्टार्ट ले लेते हैं, फिर ऊपर उनके आवर्स के हिसाब से उनको उसी हिसाब से वो मिलता रहता है। तो आप लोग अगर वर्क परमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर शेंजन के टूरिस्ट वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहते हैं तो इटली को मैक्सिमम टारगेट किया करें। ये जो सबसे ज्यादा आपने टारगेट करना है वो इटली को टारगेट करना है। अब टूरिस्ट अट्रैक्शंस की मैं बात करता हूं, एनुअली जो सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाता है वो सबसे ज्यादा इटली में जाता है। सबसे ज्यादा एनुअली टूरिस्ट अगर किसी स्टेट्स में जाता है तो वो इटली में जाता है, शेंजन की स्टेट्स में। इटली के बाद जो है ना सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो जर्मनी में और फिर फ्रांस में, फिर वो स्पेन के बाकी जो जगहों पे जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट जाता है वो मिलान में, इटली में जो है वो वहां पे जाता है। इसके अलावा एक और टॉपिक पे ऊपर, छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि जी इटली का वीजा जब हम फाइल करते हैं तो स्टूडेंट वीजा के लिए और मेडिकल वीजा के लिए और इन सब चीजों के लिए किस चीज का हाथ से रखना चाहिए। जो स्टूडेंट वीजा है आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वो यूनिवर्सिटी चेक करें कि जो जिसकी ट्यूशन फी कम हो। इसके अलावा अगर मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपके पास पहले इसकी थोड़ी सी एक ब्रीफ हिस्ट्री होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। और अगर आप टूरिस्ट वीजा के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपका ट्रैवल प्लान बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आप वर्क परमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वर्क परमिट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब डॉक्यूमेंट्स की कंप्लीट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था कि सर ये बता दीजिएगा कि स्टूडेंट्स जब वहां पर जाता है तो कितने यूरो उसके पास होने चाहिए यूनिवर्सिटी की फी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने मैक्सिमम वो पैसे वहां पर जाकर स्पेंड कर सकता है। आप एक मिनिमम ब्रैकेट को 12,000 यूरो की ब्रैकेट को अपने माइंड में रखें और एक मैक्सिमम ब्रैकेट जो है ना वो 16,000 यूरो की एक साल की फी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो हॉस्टल में रहना है आपने उसके आप ये कह सकते हैं कि उन चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक चीज आपने माइंड में रखिएगा। यही वो सारी चीजें हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई बात पूछनी हो, कुछ कहना हो, कुछ आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, कुछ फाइल प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात पूछना चाहते हो, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर कुछ बनाने के लिए या शेंजन एंट्री में लेने शेंजन में एंट्री लेना चाहते हैं तो आप मेरे साथ स्टे इन टच रहिएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक भी करना है और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।